ओम गरुड़वाहिनी वैष्णवी त्रिकुटा पर्वत धाम काली लक्ष्मी सरस्वती शक्ति तुम्हें प्रणाम। नमो नमो वैष्णो वरदानी कली काल में शुभ कल्याणी मणि पर्वत पर ज्योति तुम्हारी पिंडी रूप में हो अवतारी। देवी देवता अंश दियो है रत्ना कर घर जन्म लियो है करी तपस्या राम को पाऊं त्रेता की शक्ति कहलाऊं। कहा राम मणि पर्वत जाओ कलयुग की देवी कहलाओ विष्णु रूप से कल के बनकर लूंगा शक्ति रूप बदल कर। तब तक त्रिकुटा घाटी जाओ गुफा अंधेरी जाकर पाओ। काली लक्ष्मी सरस्वती माँ करेंगी पोषण पार्वती माँ ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारे हनुमत भैरव प्रहरी प्यारे। रिद्धि सिद्धि चवर डुलावे कलयुग वासी पूजन आवे पान सुपारी ध्वजा नारियल चरणामृत चरणों का निर्मल। या फलित वर मां मुस्काई करण तपस्या पर्वत आई। कली काल की भड़की ज्वाला एक दिन अपना रूप निकाला। कन्या बन नगरोटा आई योगी भैरों दिया दिखाई। रूप देख सुंदर ललचाया पीछे पीछे भागा आया। कन्याओं के साथ मिली माँ कौल कंदौली तभी चली माँ। देवा माई दर्शन दीना पवन रूप हो गई प्रवीणा। नवरात्रों में लीला रचाई भक्त श्रीधर के घर आई। योगिन को भंडारा देना सबने रुचिकर भोजन किन्ना। मांस मदिरा भैरव मांगी रूप पवन कर इच्छा त्यागी। बाण मार कर गंगा निकाली पर्वत भागी हो मत वाली। चरण रखे आ एक सिला जब चरण पादुका नाम पड़ा तब। पीछे भैरों था बलकारी छोटी गुफा में जाए पदारी। नौ माह तक किया निवासा चली पोड़ कर किया प्रकाशा। आद्या शक्ति ब्रह्म कुमारी कहलाई माँ अर्थ कुमारी। गुफा द्वार पहुँची मुस्काई लांगुर वीर ने आज्ञा पाई। भागा भागा भैरो आया रक्षा हित निज शस्त्र चलाया। पड़ा शीश जा पर्वत ऊपर किया क्षमा जा दिया उसे वर। अपने संग में पुजवाऊंगी भैरो घाटी बनवाऊंगी। पहले मेरा दर्शन होगा पीछे तेरा सुमिरन होगा। बैठ गई माँ पिंडी होकर चरणों में बहता जल झरझर।
64 योगिनी भैरों 52 सप्त ऋषि आकर ते सुमिरन। घंटा ध्वनि पर्वत पर बाजे, गुफा निराली सुंदर लागे। भक्त श्रीधर पूजन कीना, भक्ति सेवा का वर लीना। सेवक ध्यान तुमको ध्याया, ध्वजा व चोला आन चढ़ाया। सिंह सदा दर पहरा देता, पंजा शेर का दुख हर लेता। जम्बुद्वीप महाराज मनाया, सरसोनी का छत्र चढ़ाया। हीरे की मूरत संग प्यारी, जगे अखंड एक ज्योत तुम्हारी। अश्विन चैत्र नौराते आऊं, पिंडी रानी दर्शन पाऊं। सेवक शर्मा शरण तिहारी, हरो वैष्णो विपत हमारी। कलयुग में महिमा तेरी है माँ अपरंपार, धर्म की हानि हो रही प्रकट हो अवतार।